मैंने आज ऑफिशियली दीपरा मोथा के चेयरमैन होने के पोस्ट में रहकर आघोर देव वर्मा जनरल सेक्रेटरी IPFD को चिट्ठी दे दिया है और मैंने क्लियरली कहा है मुझे पार्टी का नाम या पोस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दीपरा सा लोग IPFD और दीपरा मोथा को अगर एक पार्टी बनकर एक सिंबल में फाइट करेंगे, नाम जो भी हो हमको कोई चिंता नहीं है। तीपरासा लोग थानसा देखना चाहते हैं और इस बार अगर हमारा थानसा हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम अपने लोगों को कुछ दे सकते हैं। अगर हम लोग एक नहीं हुए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसी के लिए मैंने चिट्ठी अघोर देव वर्मा को दिया है, वो IPFD के वर्किंग प्रेसिडेंट को देंगे और तब IPFD को सोचना पड़ेगा कि हमें आने वाले दिन में तीपरासा के संग काम करना है या अलग अलग होकर फाइट करना है या BJP के संग फाइट करना है। लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ब्लैक एंड वाइट में सबको दे दिया है। अब IPFD को विचार करना है कि वो बुबागरा के संग, तीपरासा के संग, सब लोगों के संग एक संग होकर फाइट करेंगे या उनका क्या थिंकिंग है वो डिसाइड करेंगे। मैं वही चाहता हूँ जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा हो, हमारे तीपरासा लोगों को, हमारे दोफा को कुछ मिले। और ये जो थानसा का कॉल है इससे कुछ लीडर लोग खुश नहीं होंगे, लेकिन पब्लिक को लीडर से मतलब नहीं है। पब्लिक को अपना अधिकार चाहिए और हमको पहले अपना तीपरासा के बारे सोचना है, उसके बाद लीडर के बारे सोचना है। बेलाइनो हम बाय।